सास के बरगद्दे पर प्रियंका ने लिखा मैसेज, तस्वीर देख कहेंगे खूबसूरती में देसी गर्ल को दे रही टक्कर। माँ मधु चोपड़ा के अलावा प्रियंका चोपड़ा अपनी सास से भी खास रिश्ता शेयर करती हैं। शादी के दौरान और उसके बाद प्रियंका अपनी सास के साथ मस्ती करते हुए नजर आईं। यहां तक कि उन्होंने सोशल मीडिया पर सास के साथ कई तस्वीरें भी शेयर की जिसमें दोनों के बीच का बॉन्ड साफ नजर आया। वहीं अब प्रियंका ने अपनी सास के जन्मदिन पर एक खास मैसेज लिखा है। प्रियंका का यह पोस्ट देखकर कहा जा सकता है कि वे उनसे कितना प्यार करती हैं। प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस और सास के साथ एक तस्वीर इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की है। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए प्रियंका ने एक खूबसूरत मैसेज भी लिखा। प्रियंका ने लिखा, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं सासू माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मम्मी जी, आपका दिन अब तक का सबसे बेहतरीन दिन हो। खास बात है कि डेनिस जोनस ने प्रियंका की शादी में इंडियन ड्रेस पहनकर लाइमलाइट लूट ली थी। डेनिस जोनस ने न केवल प्रियंका और निक के रो के बल्कि रिसेप्शन में भी इंडियन ड्रेस पहनी हुई थी। सामने आई तस्वीरों में डेनिस बला की खूबसूरत लग रही थी। प्रियंका की सास के कपड़ों के अलावा उनका तोहफा भी चर्चा में रहा। डेनिस ने अपनी बहू प्रियंका को शादी के बाद बेशकीमती तोहफा दिया था। प्रियंका की सास ने उन्हें हीरे के इयररिंग्स तोहफे में दिए थे। इन इयररिंग्स की कीमत $79,500 है जो कि भारतीय करेंसी के अनुसार 55.46 लाख रुपए है। इन इयररिंग्स में 6.7 कैरेट के कुल 170 हीरे जड़े थे। माँ को जन्मदिन पर बधाई देने से पहले प्रियंका ने भाई सिद्धार्थ के जन्मदिन पर निक के साथ एक तस्वीर पोस्ट की थी। भाई को बर्थडे की बधाई देते हुए प्रियंका ने लिखा था, हैप्पी 30 सिड, तुम्हें इतना बेहतरीन इंसान होते देखना बहुत अच्छा लगा, हंसी और प्यार के लिए शुक्रिया, तुम मेरे दिल के बेहद करीब हो और तुम पर गर्व है। पिछले दिनों प्रियंका की मां मधु चोपड़ा ने भी इंस्टाग्राम पर सिद्धार्थ की बचपन की तस्वीर शेयर की थी। इस फोटो में सिद्धार्थ पिंक कलर का स्वेटर पहने थे, वहीं मधु बेटे को देख रही थी। इस फोटो पर प्रियंका चोपड़ा ने कमेंट करते हुए लिखा था, सिड बहुत क्यूट लग रहा है, पहली बार में तो फैंस को लगा कि ये फोटो प्रियंका की है। प्रियंका के कमेंट करने के बाद पता चला कि ये सिद्धार्थ की फोटो है। आपको बता दें, सिद्धार्थ की इशिता कुमार के साथ शादी होने वाली थी लेकिन टूट गई। दोनों का रोका 27 फरवरी को हुआ था, शादी 30 अप्रैल को होने वाली थी। उससे पहले इशिता बीमार हो गई और उनकी सर्जरी हुई। इशिता काफी समय तक अस्पताल में भर्ती रही और शादी टलने की खबर आई। इसके बाद प्रियंका की मां ने बताया कि शादी टूट गई है।